बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर हम मुझे और टू पढ़ा दीजिए। अब और टू में एक्चुअली क्या है कि मॉडल्स का प्रयोग पढ़ना हम लोगों को, और मॉडल्स में बहुत सारे बच्चे अभी नहीं कर पाते इंग्लिश बोलने में, लिखने में, बहुत सारी जगह पे आप मॉडल्स का प्रयोग कर पाते हो। यहाँ पे आप और टू सीखिए आज कि और टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। और टू बेसिकली और टू एक मॉडल्स है, ये मॉडल्स के साथ टू नहीं लगाते, लेकिन ऑट एक ऐसा मॉडल से जो जन्म से ही टू लगा हुआ है, इसको आप हटा नहीं सकते। यानी ऑट एक ऐसा मॉडल से जो जन्म से ही टू लगा हुआ है, लेकिन जितने भी मॉडल से आप बात करो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स लगा दो, कोई भी मॉडल्स हो, चाहे विल हो, शैल हो, वुड हो, कुड हो, माइट हो, कुछ भी हो, किसी के साथ कभी भी मॉडल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं करते, गलत हो जाता है। मॉडल्स की एक कमजोरी है कि वो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, बी1 लेता है, प्लस अदर वर्ड लेता है। लेकिन ऑट एक ऐसा मॉडल्स है जो अपने साथ टू जरूर लेता है, इसको आप जानने का प्रयास करिए। यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करें बच्चे कि जितने भी ऑट टूस हैं, ये ऑट टू का सेंस क्या देता है वो आप जानिए। ऑट टू का प्रयोग तुम तभी करना जब किसी को सलाह देते हो। कैसा सलाह? जब सलाह मोरल हो। यानी आप चाहो तो एक सेंस लिख लो कि ought to is used, ought to is used with the sense of, with the sense of moral duty। यानी moral duty हो, या फिर कह सकते हैं कि moral advice हो, ठीक है, मॉरल एडवाइस हो। जब आप मॉरल एडवाइस की बात करें, नैतिक सलाह की बात करें, या नैतिक ड्यूटी की बात करें, जैसे आपकी कुछ नैतिकता है, नैतिकता का मतलब क्या होता है, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, नैतिकता ही है ना, हम लोगों को देश को प्यार करना चाहिए। तो जहां पे आप ऑट टू का प्रयोग करते हो, वहां पे आप चाहो तो शुड का प्रयोग भी कर सकते हो, क्योंकि शुड और ऑट टू में कोई अंतर नहीं। बट एक बात ध्यान रखना कि जहां पे शुड लगाते हो वहां ऑट टू नहीं आएगा, लेकिन जहां ऑट टू आता है वहां शुड जरूर आएगा। क्लियर? तो यहां पे आप ध्यान रख सकते, आप रख सकते हैं इसको ध्यान। यहां बात करें और टू के स्थान पे शुड आ सकता है। बात करें हम सब्जेक्ट प्लस और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, यह हुआ इस सेक्शन को हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चे? प्रेजेंट का। प्रेजेंट का सेंस करें, हिंदी में सेंस क्या निकलेगा? हिंदी में सेंस निकलेगा चाहिए, जैसे तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। क्या लिखोगे? यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। क्या सर यहां शुड लगा दूं? बिल्कुल लगा दो, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर। तो आप ऑट टू के स्थान पे शुड का प्रयोग करना चाहो तो कर सकते हो। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यू ऑट टू कुछ भी, वट एवर, जितना मर्जी हो। आप अगर कहीं भी मोरल की बात कर रहे हो, नैतिकता की बात कर रहे हो, तो शुड भी लगा सकते हो, बट ऑट टू लगाना ज्यादा अच्छा होगा। और ये बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, वो पूरा हो रहा है। हम इसका प्रयोग पास्ट में भी कर सकते हैं। ये तो प्रेजेंट की बात हो गई। हमने कहा यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट टू सर्व योर कंट्री, यू ऑट टू लव योर कंट्री, यू ऑट टू, ठीक है बेटे। अब यहां पे ध्यान देना है, अगर हम नेगेटिव बनाते हैं इसका, तो नेगेटिव में बहुत सारे टेंशन होते हैं कि यहां पे ऑट के साथ नॉट हम कहां लगाएं। खास पर ध्यान रखो, कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है, एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया है कि ऑट टू के साथ जैसे क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑट नॉट टू प्लस B1 प्लस अदर वर्ड। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है, यहां ऑट नॉट टू होगा, और लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट प्लस ऑट टू नॉट, तो ऑट टू नॉट कभी नहीं होता, ऑट नॉट टू। जैसे तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, तुम्हें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, यू ऑट नॉट टू सर्व योर पेरेंट्स,
राइट, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर टीचर, यू ऑट नॉट टू रिस्पेक्ट योर टीचर. तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकते हैं. तो ऑट टू नॉट एक गलत होता है, इसको आप खास करके ध्यान रखना कि ऑट के साथ नॉट कब लगाते हैं. तो ऑट नॉट टू, चूंकि मेन जो मॉडल्स है वो ऑट है, ना कि यहाँ पे टू लगा हुआ है. ये टू तो हमने एक्स्ट्रा अलग से जुड़ा हुआ जन्म से ही है, लेकिन जो भी हम क्रिया करेंगे ऑट नॉट टू काम करेंगे, इसको ध्यान रखना है. अगर हम इसको पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करें, तो सब्जेक्ट प्लस ऑट टू हैव, ऑट टू हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड. तो यहां पे ध्यान देना, ऑट टू हैव प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड, ये इसका पास्ट टेंस देता है और हिंदी होता है चाहिए था, चाहिए था. इसको खास ध्यान रखिएगा, चाहिए था. जैसे हमने कहा कि तुम्हें अपने शिक्षक का सम्मान करना चाहिए था, यू ought to have respected your teacher. मैं आपको लिख दे रहा हूं, you ought to have respected your teacher. You ought to have respected your teacher. तो हमने कहा you ought to have respected your teacher. तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए थी, you ought to have है ना, obeyed your parents, obeyed your parents. You ought to have obeyed your parents. You ought to have respected your parents. You ought to have served your country. You ought to have respected your elders. तो whatever comes your mind, तो जितना मर्जी करे सेंस बोल सकते हो, और इस तरह से आप ought to का प्रयोग कर सकते हो. अब यहां पे हम ought to have के बदले में should have का प्रयोग कर सकते हैं. कैसे? You should have respected your teacher. You should have respected your teacher. You should have respected your parents. You should have obeyed your parents. तो should have के स्थान पे आप ought to का प्रयोग ना करें, but ought to के स्थान पे should का प्रयोग आराम से आप कर सकते है. यह बात सत्य हो गया, यानी ऑट टू और शुड में कोई अंतर नहीं है. ऑट टू का प्रयोग धीरे धीरे लोग कम करते हैं, बट अपने आप को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाना अच्छा माना जाता है. कब? जब मोरल एडवाइस हो. इस तरह से आप इस वीडियो को देखें और उनकी मदद करें जिनको इनकी आवश्यकता है. फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.